पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि बाबा साहब की मेहनत बेकार गई। बाबा साहब ने एक किताब लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश, इन जातियों का जड़ से विनाश खत्म एकदम। उन्होंने अपने जीते जी जातियों का विनाश भी किया और जिनको हम 6743 जातियां बोलते हैं वो सारे ही बैकवर्ड में आते थे उस समय तक, जब तक एससी नहीं बना था, एसटी नहीं बना था और बीसी से ओबीसी नहीं बना था, तो सारे क्या थे, बैकवर्ड, बैकवर्ड कास्ट बीसी बुला करते थे। इस बैकवर्ड के तीन हिस्से उन्होंने किए। उन्होंने क्या किए, वो तो सारे बैकवर्डों के लिए फाइट कर रहे थे, मगर जिन लोगों से उन्होंने अधिकार मांगे बैकवर्डों के सारे, उन लोगों ने बैकवर्ड के सारे अधिकार ना देके उनको कहा कि जो ज्यादा पिछड़े हैं, ज्यादा गरीब हैं, ज्यादा दबे कुचले हैं, पहले उनको अधिकार दे दो, फिर बाद में जो बचे हैं उनको दे देंगे। तो ऐसा माना गया कि जिनके पास कुछ नहीं है, ना इज्जत है, ना जिनके पास पैसा है, ना एजुकेशन है, ना खेत है, उनको पहले अधिकार दिया जाए। उनकी लिस्ट बनी, तो उनको सबसे जो लिस्ट बनी उसको कहते हैं शेड्यूल। तो जो शेड्यूल बना वो कास्ट का शेड्यूल, तो वो सारे सारे शेड्यूल कास्ट हो गए, यानी कि सूची में आ गए। सूची में सारे हैं, ये ध्यान रखना आप, बैकवर्ड के जितने भी लोग हैं वो सब सूची में है, सारे ही शेड्यूल कास्ट हैं, क्योंकि शेड्यूल है उनका कास्ट के हिसाब से, मगर अलग अलग है। एक है शेड्यूल कास्ट जो मोस्ट बैकवर्ड है, यानी जिनको एससी बोलते हैं, पूरा नाम क्या है, शेड्यूल कास्ट मोस्ट बैकवर्ड। एक है शेड्यूल ट्राइब, यानी उनका शेड्यूल बना हुआ है ट्राइब्स का, जो आदिवासी लोग हैं उनको छांटा गया। और एक है शेड्यूल कास्ट जो बैकवर्ड है, वो मोस्ट बैकवर्ड नहीं है, बैकवर्ड है, यानी कि बाद में उनको ओबीसी बोला, अन्य पिछड़ा, यानी अन्य बैकवर्ड। तो इस तरह से जो पिछड़े लोग थे, जो बैकवर्ड लोग थे, उनके तीन हिस्से बने और तीन हिस्सों से वो शेड्यूल कास्ट मोस्ट बैकवर्ड में आए, एक शेड्यूल ट्राइब आए और एक ओबीसी आए, और इस नाम से जाने लगे। तो बाबा साहब ने उन सभी बैकवर्डों को, जो 6743 जातियां लगभग होती थी, उनको तीन बड़ी बड़ी कैटेगरी में जोड़ के जाति को खत्म कर दिया। उसके बाद आगे का सफर होना था, वो चले गए, तो आगे का सफर लोगों ने पढ़ा, समझा, देखा, तो बहुजन नाम से आगे बढ़ाया, बहुजन से फिर मूल निवासी आया, मूल निवासी से फिर समण और वमण आने लगे, यानी कि समण वाला जो कंसेप्ट है, फाइनल कंसेप्ट जो बुद्ध के समय था, यानी समण, यहां के जितने लोग थे उनको समण बोलते थे, तो समण आने लगा। मगर समण इससे पहले के फेमस होता, बहुजन, मूल निवासी और समण फेमस होता, लोग फिर जात को खींच के लाने लगे। ये ना समझ कुछ लोग ऐसे आए जो अपनी जात का नेता बनने में घमंड महसूस करने लगे। उनके दिमाग में पता नहीं किसने भरा, बाबा साहब अंबेडकर को तो उन्होंने पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा होता तो वो कभी भी जाति की बात करते नहीं। बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, उनका फोटो लगाते हैं और जाति की बात करते हैं, एक बड़ी उल्टी बात है। यानी जिस व्यक्ति ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किया, जाति को खत्म किया, जाति का विनाश किया, यहां तक कि बुद्ध के अनुयायी बने, जो भारत के बुद्ध थे, भारत के ही रहने वाले जो धम्म थे, भारत के ही धम्म को अपनाया, तो जात को उन्होंने जड़ से समाप्त किया और फिर जात को खींच के, और जात की जो सामाजिक कार्यकर्ता है या जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो जात की ही बात करने लगे। इस तरह से बाबा साहब की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया उन लोगों ने जो जात को दोबारा से निकाल के लेके आए और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जात से तरक्की मिलती होती, या जात की, कोई भी जात के ऊपर कार्य करने से, सामाजिक या धार्मिक या राजनीतिक कार्य करने से अगर तरक्की होती होती तो बहुत पहले हो गई होती, क्योंकि जात तो लगभग 300-400-500 साल से चल रही है। तो 300-400-500 साल पहले जब जात पैदा हुई और जात बनी तो उस समय से ही फायदा होता, पर फायदा तो नहीं हुआ। फायदा तब हुआ जब डॉक्टर अम्बेडकर ने जात को खत्म करके तीन बड़े बड़े टुकड़े भारत के लोगों के बनाए। और ज्यादा फायदा होता कि अगर इन तीनों का एक होके बहुजन होता, और भी ज्यादा फायदा होता कि अगर इन तीनों का बहुजन से मूल निवासी होता, और भी ज्यादा फायदा होता अगर मूल निवासी से समण शब्द आता। समण मतलब बहुत पुराने लोग यहीं के, भारत के। इसलिए आप अगर थोड़ा भी बाबा साहब को जानते हैं तो इस जात के खेल को समझिए। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है।
आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.